व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं बॉयकॉट मालदीव्स। भारतीयों की एकता देख मालदीव्स घुटनों पे, मांगी भारत से माफी। देखते हैं पूरी वीडियो, वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। कहां से देख रहे हो वीडियो ये भी जरूर बताना। 1 2 3 गो। 48 आवर से गूगल पे दो चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। और जैसे ही ये सब तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, #बॉयकॉट मालदीव। 24 घंटे के अंदर अंदर ही मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है। 7500 के करीब जो उनकी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई। तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग जो है उसको कैंसिल किया गया है। 2500 से ज्यादा जो फ्लाइट टिकट्स हैं इनको कैंसिल किया गया है। मालदीवियंस का आज मेल्टडाउन भी हुआ है, ट्विटर इज फुल ऑफ इट। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट भागे भागे गए चाइना के पास में। प्रधानमंत्री जाते हैं लक्षद्वीप और उसको लेके उनके एक मिनिस्टर जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट के दो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ा भद्दा सा ट्वीट किया। और भैया मालदीव्स तुम सुन लो, तुम्हारे साथ भी यही होगा। वैसे कल सर पता नहीं क्या हुआ, कल वहाँ 5.5 का 5.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया। देखिए मैं यही कह रहा था, तुमको भारत से पंगा लेना है तो लो और परिणाम झेलो। और ये जो बॉलीवुड के कुछ वहां लोग जाते हैं ना अपनी फोटो खींच रहे बॉलीवुड का प्रचार करने, भैया तुम्हें भी कोई नहीं बचाएगा, याद रखना अर्थ कोई गाएगा ना। मालदीव्स को अगर हमें उसकी जगह दिखानी है तो मालदीव्स को हमें बताना पड़ेगा कि भाई साहब 2050 तक मालदीव्स दुनिया में नहीं रहेगा। चौसा मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी मोदी साहब की रीसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है, वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है जो ग्लोबल बॉइलिंग में सबसे पहले जो डूबेगा वो मालदीव्स डूबेगा। क्या बात है, क्या बात है। मालदीव्स को अगर हमें उसकी जगह दिखानी है तो मालदीव्स को हमें बताना पड़ेगा कि भाई साहब 2050 तक, ये नोट करिए, 2050 तक मालदीव्स दुनिया में नहीं रहेगा। मालदीव्स का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे पानी का स्तर ऊपर उठता जा रहा है। और ये प्रिडिक्ट किया गया है कि अब वो ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल बॉइलिंग बोलने लग गए हैं लोग। जो ग्लोबल बॉइलिंग में सबसे पहले जो डूबेगा वो मालदीव्स डूबेगा। तो लक्षद्वीप को अगर लैंड मास कम होता है तो लक्षद्वीप के आदमियों के लिए तो पूरा भारत खुला हुआ है, मालदीव्स के आदमी कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के लिए तो वो लक्षद्वीप पाकिस्तान यूनिटरी हाँ चलो, या केरला, लेकिन ये कहाँ जाएंगे? या भारत, गुजरात किधर जाएंगे? बहुत सोचने समझने वाली बात, भारत लेगा इनको? तो इस तरह की चीजों की मैसेजिंग जानी चाहिए मालदीव्स को, तब उसे पता चलेगा कि भाई किसके साथ रहने से उसको फायदा होगा। यह हैरत वाली बात यह है कि चाइनीज मीडिया भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आ रहा था। अच्छी बात है, आपने शायद ये चौसा मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी मोदी साहब की रीसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है, वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है, सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर, उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकाल कर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जितने फॉरेन एजुकेटेड हमारी ब्यूरोक्रेसी जज जर्नैल हैं, उनकी सोचे ही नहीं है पाकिस्तान, उन्हें पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं, फिजिकली पाकिस्तान में है, सोचे टोरंटो और लंदन में है, यही अलमिया है हमारा। उनको ना लेगेसी का शौक है ना किरदार साजी का शौक है, यही अलमिया है हमारा। और सर जैसे आपने बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाय वाला, और उन्होंने खुद बोला है 2-3-4 दिन पहले वो वहां पे एक विजिट पे गए हैं, किसी के घर में गए, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो चाय वाला हूं, मुझे पता है चाय कैसे बनाते हैं,
लेकिन यहां से चीज मुझे ये समझ में आती है कि कंट्री हो, घर हो या कोई भी चीज हो, उसे चलाने के लिए एजुकेशन से ज्यादा शायद शायद मेरे ख्याल से सिंसेरिटी मैटर करती है कि आप कितना सिंसेयर हैं किसी काम के साथ, अपने कंट्री के साथ या अपने किसी भी काम के साथ। बिल्कुल, उसमें चौसा मैंने जो बात की, नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म इस वक्त अगर देखा जाए, जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी सारी दुनिया में वो गिर चुकी हैं सवाए मोदी साहब के, सक्सेसफुल है और इट इज बूमिंग मेरे ख्याल में। इन द फ्यूचर यू विल सी इट, जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका रेड सी के अंदर उनके 3 जहाज हैं और भारत के इस वक्त 4 जहाज हैं वहां पर, और जिस तरीके से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने, आप डॉक्टर जयशंकर साहब का देखें, पहले वो रशिया गया, रशिया के बाद आज वो नेपाल गए हैं, उसके बाद मालदीव की जिस तरह बात कर रहे थे, दे आर ओरिजिनली दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है नजाकत आ जाती है, उनकी इकॉनमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास, और वो एजुकेटेड ना सिर्फ वो एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है, तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है। दुनिया को कॉपी करना चाहिए। मैं अगर कह दूं, मैं या आप चॉइस ऑफ पाकिस्तान में किसी को कह दें कि मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट बने, तो वो फौरन कह देते हैं नहीं जी आप तो राह के एजेंट हैं, आप भारत के गीत गाते हैं। चलो छोड़ दे भारत के गीत, बांग्लादेश के गीत गा लेते हैं, वो भी आपसे बहुत आगे जा चुका है, अब तो अफगानिस्तान आपसे बहुत आगे जा चुका है, उनके गीत शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको गीत तो किसी के पसंद ही नहीं ना, आप किसी की तरक्की तो देखने नहीं चाहते। आपने तो साइंस और तालीम के साथ बाइकॉट कर दिया, आप सारी दुनिया से नाराज हैं, आप सिर्फ चाहते हैं तो जहाज चाहते हैं या झगड़ा चाहते हैं या गाली चाहते हैं। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा कि गाली देना किसी को आपके फायदे में नहीं होता, दर हकीकत जब आप गाली देते हैं अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये नफरतें गालियां ये बंद करें, सोचें, तालीम की तरफ तवज्जो दें। मैं बल्कि अफसोस के साथ ये कहूंगा, आजकल काजी फैजी साहब के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आपकी सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग जो है वो उन्होंने ऑनलाइन शुरू की है। अब रिक्वेस्ट की जा रही है जी कौम तो इंग्लिश को समझती ही नहीं है, आप उसको भी उर्दू में कर दें। तो आप आगे जाने की बजाय पीछे जाने के बारे सोच रहे हैं। सुना है इमरान खान साहब जब आए थे तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने ये दिया था कि सारा तालीमी निसाब जो था उर्दू में कर दिया था वो, ये तोहफे दिए। तो ये इन चीजों से आप आगे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे हैं। ये सही बात बोली, सही लपेटा आज, ये सही लपेटा कि अगर तरक्की की कोई बात करते तो कह देते कि तो रॉ का एजेंट है। हाँ। अरे भैया भारत से कंपेयर मत करो, तुम बांग्लादेश और अपने साइड में अफगानिस्तान को ही देख लो यार, तुम कहाँ हो और वो कहाँ निकल गए। पाकिस्तान की बात छोड़ो, अभी आज हम बात करेंगे कि जो जैसे बॉलीवुड स्टार्स हैं सब लोग अब ये चीज समझ रहे हैं कि भैया देश से बढ़कर कुछ नहीं है, और आम आदमी भी जो भैया जा रहे थे कितनी टिकट्स कैंसिल हुई हैं, और आप देख लो कितने 18 से 20 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं इंडिया से, कितना पैसा वहाँ जनरेट हो रहा है, और जबकि 2.5-3 लाख की कितनी महंगी महंगा पड़ता है वो इंडिया। भाई देखो वहां पर क्या समुद्र के ऊपर ही तो बना रखे हैं वो कॉटेजेस विलास, कि वो भी मैंने कल भी एक वीडियो में बोला था कि वो क्या बना बनाया थोड़ी मिल गया था, शॉपिंग सेंटर थोड़ी है वो, कोई घूमने फिरने की दुबई की तरह अलग अलग चीजें बना रखी है वहां पर। उन्हें भी एक तरह से नहीं, वैसे जो बाहर उनके भी होंगे 1-2 सिटीज वगैरह जो है, लेकिन वो बनाया है भाई। अब वो देखा तो ताज ग्रुप बना रहा है, ताज ग्रुप 2 वहां पर बना रहा है लक्षद्वीप में, 2 आइलैंड के ऊपर, बहुत गजब हो जाएगा। तब मैं जाऊंगा, सस्ता पड़ेगा तब। लेकिन भैया सबसे अच्छी बात यह है कि लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि वर्ल्ड अफेयर्स में क्या चल रहा है और इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया गवर्नमेंट क्या संदेश देना चाहती है, और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और भाई मार्केटिंग और दूसरे देश को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बिना नाम लिए बिना बोले मोदी जी से कोई सीखे ऐसा, आज आप देख रहे हो आज पूरी मतलब पूरे गूगल पे हर जगह ट्विटर पे सब जगह ट्रेंडिंग ही चल रहा है मोदी जी की विजिट। अभी हाल ही में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसने कहा है कि सबको रिक्वेस्ट करें कि कश्मीर घूमना चाहिए, कश्मीर तो भाई बहुत सुंदर है। मतलब आप ये देख लो कि मोदी जी के ताल्लुकात कहाँ कहाँ पर बढ़िया है कि लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं तो उनको क्या मतलब। फ्रांस के बंदे ने एक वीडियो देखी थी कि पहले जो बोला था उस बंदे ने कि मैं 30 साल का हूँ, ठीक है, हिम्मत नहीं होती थी 10 साल की कश्मीर घूमू यहाँ जाओ और आ जाओ इजीली बंदे घूम रहे हैं के साथ, हाँ घूम के आए इतना बढ़िया हो, क्योंकि डर लगता था भाई। ये वीडियो तो शेयर करनी बनती है, और बाकी जय हिंद जय भारत जैसे हम लिख देना, और ये भी मानोगे आप मोदी है तो मुमकिन है। और आज के टाइम पर जो स्टांस लेना चाहिए एक क्योंकि आपके देश का लीडर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही अगर दब दब के चलेगा दूसरे देश के लीडर उससे तो फिर क्या है, ग्लोबल लीडर कैसे बनेगा। क्योंकि एक चीज जैसे यूएस हो गया, रशिया है, यूएस का भी देखना, जॉर्ज बुश कितने इन सब जो की भी लीडर आता था वो इसीलिए आता था क्योंकि वो दबंग स्ट्रांग था। हाँ आज आप देख लो, आज भारत
ये भारत बहुत जल्द विकसित डेवलप्ड कंट्री भी हो जाएगा, डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगा। और बहुत सारी आप ये देखो ना आज के टाइम पे यार UPI जी टेक्नोलॉजी देख के अचंभे रह जाते हैं। पहले क्या टेक्नोलॉजी आती थी एप्पल की, है एप्पल पे आ गया है तो मतलब जैसे आईफोन है वही पे कर सकता है। अरे भैया आप या कोई भी फोन है नेट वाला करो UPI। टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई सुख सुविधाएं अमीरों के हिसाब से, भारत में बनी किस हिसाब से आम जनता भैया। ये होता है डेवलपमेंट, ये चीज होती है कि विजन ऐसा लेके चलना कि आम आदमी जगह हर एक बंदा यूज कर सके, ये नहीं कि आईफोन लेने वाले ही कर सके। अगर नॉर्मल देखो जैसे रिलायंस है, समझ रहे हैं पहले क्या था कि रिलायंस में जो कपड़े मिलते हैं उनके प्राइस अगर देखे है, देखे एक आम आदमी नॉर्मल बंदा भी जाके वहां पे मॉल भी घूमता है। हां भाई आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना है। मिलते हैं आपसे कपड़े के साथ, बाय बाय, टेक केयर।